दोस्तों, ऊंचे लोगों की नीची हरकतें फिर से समाज को शर्मसार करने वाली निकली, जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए जिन लोगों से कि हाँ, ये सोसाइटी में इस ओहदे पर हैं जो कि समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, वो इतनी घिनौनी हरकतें करते हुए जब पाए जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं, वो नहीं कहते कि चुल्लू भर पानी में डूबकर मरने वाली बात होती है। अभी यहां पर मुंबई पुलिस के द्वारा आरोप लगाया गया राज कुंद्रा साहब के ऊपर कि इनके द्वारा जो स्ट्रगल करने वाली औरतें होती थी, लड़कियां होती थी जो बॉलीवुड में जाना चाहती थी, पर लेकिन उनको काम नहीं मिल पाता था, तो ये क्या करते थे, ये बेसिकली उनसे बातें करते थे और फिर उनसे पोर्न मूवी कराते थे, और पोर्न मूवी कराकर ये और इनके भाई जो हैं वो दोनों काम करते थे। उनको वहां पर जो ये बाहर रहते हैं, उनके भाई शायद लंदन वगैरह में, तो वहां पर भी उनको बेसिकली सेंड किया करते थे, यानी कि मिलकर ये धंधा चला रहे थे। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि एक ऐसा इंसान, एक बिजनेसमैन पर्सन जिसकी वाइफ एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, उनका एक दायित्व बनता है कि दुनिया उनको फॉलो करती है, कि वो ऐसा एक माइलस्टोन सेट करके जाएं, एक ऐसा समाज पर इम्पैक्ट डाल के जाएं ताकि दुनिया उनको उनसे इंस्पायर होकर कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। पर लेकिन जब ऊंचे लोगों की नीची हरकतें देखने को मिलती है तो अंदर से भी दुखी होती है, अंदर से भी दुख होता है यार, कि मतलब आखिर पैसे के लिए आखिर क्या। पैसा सही है यार, इंसान की जिंदगी में एंजॉय करने के लिए जरूरी है पैसा, पैसा कमाना चाहिए, पर ऐसा भी कैसा पैसा कि वो इंसानों को इस तरह की हरकतें करने के लिए भी मतलब मजबूर कर दे। और खासकर इस टाइम पर आप सोचिए कि इनके बारे में क्या लोग सोच रहे होंगे, क्या इनकी रेपुटेशन होगी, किस तरीके का इनका मतलब कभी भी किसी के सामने नजर उठाकर ये आगे चल पाएंगे। तो ये सारी चीजें यार कहीं ना कहीं मतलब खासकर इस लेवल पर पहुंचने के बाद में भी इंसान ऐसी हरकतें करता है तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि हाँ, एक इंसान जो है आखिर किस लेवल पर जाकर भी गिर सकता है। तो इसलिए हमेशा कभी भी किसी को भी फॉलो करो तो यही बोला जाता है कि उसको अंधा बनकर फॉलो मत करो। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, एक जेन्युइन इंसान देखो उसके अंदर। आप लोगों को अगर किसी को भी किसी तरीके से फॉलो करना है तो ऐसा नहीं कि बस अंधा बनकर फॉलो किए जा रहे हैं, पता नहीं उस चेहरे के पीछे कितने घिनौने उसके एक तरीके से अपराध छिपे हुए हैं। तो मुझे तो पर्सनली यार काफी एक बुरी खबर लगी अंदर से। बाकी आप लोगों को क्या लगा आप लोग बताइए क्या, मतलब इसमें कोई बोलने वाली बात ही नहीं है, एक घटिया चीज आप लोग बोल सकते हैं। चलिए जो भी है, आइए यहां पर बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट मोटिवेशन कोट के बारे में। बात की जा रही है जिंदगी के खेल में यह आप पर निर्भर करता है कि आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं या फिर खिलौना बनना चाहते हैं। देखिए, हर एक इंसान के पास में मौका होता है कि वो एक बार अपनी जिंदगी को इस मुकाम पर ले जाए कि दुनिया उसको देखे, दुनिया उसके बारे में बात करे कि हाँ, ये इंसान है यार, इससे कुछ इंस्पिरेशन हम लोगों को लेनी चाहिए। जैसे इलोन मस्क का नाम ले लीजिए, सचिन तेंदुलकर जी का नाम ले लीजिए, इसी के साथ में रोनाल्डो का नाम ले लीजिए। ये वो पर्सनैलिटी है जो कि एक ऐसा माइलस्टोन सेट करके गई कि लोग अपनी जिंदगी में इनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। उन्हें कहते हैं कुछ कर जाओ ऐसा कि लोग चाहे आप बनना आपके जैसा। तो इस तरीके से अगर जिंदगी में आप लोग कुछ करना चाहेंगे तो ही आप लोग अपनी जिंदगी को एक सही डायरेक्शन दे पाएंगे। अगर बिना पर्पज के जिंदगी को आप लोग जीना चाहेंगे तो फिर कोई भी ऐसी हरकतें करता हुआ इंसान जो है वो नजर आएगा। तो इसलिए हमेशा जिंदगी में अपने आप को खिलाड़ी की कैटेगरी में रखें, क्योंकि अगर खिलाड़ी नहीं बनेंगे तो खिलौना बन जाओगे दूसरों के लिए। आप लोगों की जिंदगी जो है वो चलती रहेगी, खुद की आप लोगों की कोई लाइफ नहीं रहेगी, आप लोगों की डिसीजन की कोई अहमियत नहीं रहेगी। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान में रखिए। इसलिए हमेशा अपने काम पर फोकस कीजिए, और काम भी ऐसा रहना चाहिए कि आप लोगों की जिंदगी तो सवारे ही सवारे, कहीं ना कहीं सोसाइटी में भी कुछ अच्छा इंपैक्ट डालकर जरूर जाए। तो ये दो वीडियो डेली आप लोगों को देखने को मिलती है, एक तो आती है शाम को 9 बजे, दूसरी आती है यहाँ पर ये मॉर्निंग में जो 7 बजे आती है। तो यहाँ पर देखिए, दो बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ, होता क्या है बेसिकली आप लोगों को बताता हूँ, बेसिकली ये कंडीशन क्या बनती है। मैं गलत वीडियो अपलोड कर दिया, मतलब कल भी मैंने जो किया वो क्या किया, मैंने बेसिकली 19 वाली वीडियो अपलोड कर दी, ठीक है, करनी थी 20 वाली। रीजन क्या रहता है, रीजन ये रहता है जैसे कि डेट रहती है, आप लोगों को पता है कि डेट लिखी हुई है यहाँ पर क्या, कि ये बेसिकली 20 तारीख की वीडियो होनी चाहिए, पर लेकिन आप लोगों को पता है कि एक दिन पहले अपलोड करता हूँ। ऐसी कभी भी कोई दिक्कत आप लोगों ने द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ नहीं देखी होगी, क्योंकि 20 तारीख का न्यूज़पेपर 20 तारीख को ही आता है, पर लेकिन ये वीडियो जो है वो पहले आती है, तो इसकी वजह से कई बार मुझे डेट में कन्फ्यूजन हो जाता है और मैं इस तरीके से इसको अपलोड करके छोड़ देता हूँ। फिर मैं इसको बेसिकली जब देखता हूँ तो तब पता चलता है, ठीक है। तो वीडियो अपलोड करने के बाद में, मतलब एक तरीके से नहीं कि जब पब्लिक होती है प्रीमियर के बाद में, तब मुझे पता चलता है। तो अभी इसी के ऊपर एक फैमिली मेंबर के द्वारा कमेंट किया गया, बोला कि सर अगर नेक्स्ट टाइम भी आपने ऐसी सेम मिस्टेक की तो आपको एमसीक्यू की वीडियो स्टार्ट करनी पड़ेगी। देखिए यार, एमसीक्यू की वीडियो के बारे में मैंने आप लोगों को बोल रखा है कि प्यासा जो है वो कुएं के पास जाता है, कुआ प्यास से प्यास नहीं आता है। तो यहां पर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोल रखा है कि जिस दिन आप लोग, जो मैंने आप लोगों को बोल रखा है, और मैंने नहीं बोला, वो आप लोगों ने ही बोला, मैंने कहा एमसीक्यू की वीडियो चलाने के लिए कोई टारगेट रखते हैं तो आप लोगों ने ही उसके लिए वोटिंग की थी। तो 5000 वोटिंग की थी, अब तक आप लोग ओनली 1000 का आंकड़ा पार कर पाए हैं। और जबकि अगर आप लोग थोड़ा सा भी अगर इसमें सपोर्ट करेंगे, माने शाम तक देखिए, शाम तक जो है 25000 नैनो को देख रहे हैं, ठीक है,
अगर इसको 5,000 इसको देख लेंगे स्टार्टिंग में ही आकर, तो क्या उसमें बिगड़ेगा? लाइव वीडियो आप लोग देखते हैं, और मैंने तो अभी तो ये और भी आप लोगों के लिए वो कर दिया, ऐसा नहीं कि आप लोगों को नैनो में ही देखना है, आप लोग हिंदू में भी ये कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर देखिए, एक होता है कि इंसान जो है वो काम करे जो रियलिटी में एक तरीके से जिनको चाहिए उनके लिए वो इंपोर्टेंस रखे। मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि ये पिछले 3 महीने से मैं देख रहा हूं, 3 महीने पहले ही बात बोली गई थी और आप लोगों के द्वारा ही बोली गई थी कि सर जिस दिन लाइव आ जाएंगे 5,000 उस दिन आप एमसीक्यू की वीडियो स्टार्ट करना। तो ये इसका मतलब ये कि आप लोगों के अंदर इसकी जरूरत ही नहीं फील हो रही है, ठीक है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, पर लेकिन आप लोगों को लग ही नहीं रहा कि इसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए जिसलिए अब आप लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं टाइम को और इफेक्टिवली कहीं और जगह यूटिलाइज कर रहा हूं, तो इसके चलते तो हो सकता है कि उससे ज्यादा बेटर मैं कुछ कर रहा हूं अपनी जिंदगी में। पर लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि मैंने पहले भी स्कीम स्टार्ट की है, पहले भी एमसीक्यू की वीडियो लेकर आया था, पर लेकिन अब की बार मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ जिस तरीके आप लोगों का रेस्पॉन्स देखने को मिला। तो आप लोगों के रेस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड है, आप लोगों का रेस्पॉन्स जैसा होगा, जैसे आप लोग मान लीजिए मेहनत करेंगे पढ़ाई के लिए तो ही मैं मेहनत करूंगा ना, आप लोग खुद ही उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, पेपर आप लोगों को देकर आना है, सिलेक्शन आप लोगों का होना है, तो उसमें आप लोग खुद ही उसको लेकर सीरियस नहीं है, तो फिर मैं उसमें सीरियस हो गए कहां तक सीरियस होऊंगा। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, तब तो मैंने मॉर्निंग बोला था 4 बजे उठने के लिए बोला था 5,000 को, पर लेकिन अब तो ये शाम को 9 बजे आती है, अब तो कोई ऐसी फंडा ही नहीं है, 1 सुबह को 7 बजे आती है। इसमें भी आप लोगों को मतलब इतना ज्यादा टफ लग रहा है ये चीजों को अचीव करना, तो फिर तो इसका मतलब ये कि आप लोग उसके लिए बेसिकली चाह ही नहीं रहे, वरना अब तक तो 4 बार आ जाते हैं यार, 4 क्या, मैं 5 क्या, अगर आप लोग रियलिटी में रिक्वायरमेंट होते 10,000 लाइव आ जाते, 5 तो बहुत छोटी बात होगी अगर रियलिटी में लगता कि ये वीडियो जो है वो आनी चाहिए एमसीक्यू की वीडियो, पर लेकिन ऐसा कुछ मुझे फील ही नहीं हुआ। वरना आप लोग सोचिए एक चीज के लिए कि कंटेंट की जो क्वालिटी होती है, चाहे वो कोई सी भी वीडियो क्यों ना हो, उसमें कोई कमी नहीं रहती है। तो इस तरीके से जब आप लोगों को चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है, तो उसके लिए 5 क्या 10 क्या, आप तो बैठकर जितना बोलो कि हाँ सर हाँ ठीक है हम लेकर आते हैं, हमको देखनी है, हमको तो शाम को भी देखनी है, सुबह भी देखनी है, उसको निपटा के साइड में फेंको जब आती है तुरंत वो वीडियो। तो इतना मैंने इसलिए चेक किया है क्योंकि मैं जानना चाहता कि इतनी सीरियसनेस है चीजों के लिए, और वो भी आपके बोलने पर ही, आप लोगों के बोलने पर, लेकिन दिखा नहीं कहीं तक भी, अब तक भी आप लोग देखते हैं, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं यार, बेसिकली आप लोगों के हाथ में, जब आप लोग चाहेंगे आ जाएगी, आप लोग चाह ही नहीं रहे, आप लोग उसके लिए सीरियस ही नहीं है, तो सीरियस नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके लिए लोग सीरियस नहीं है, ठीक है। तो यह है बेसिक पर्पज, बाकी आप लोग समझदार हैं, चीजों को अच्छे से एंजॉय कीजिए, अपना रिविजन करते रहिए, आगे चलते हैं, पहले देख लेते हैं क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है आज की इस वीडियो के अंदर, एक ओवरव्यू हम लोग लेंगे, तो काफी प्यारी ये वीडियो रहने वाली है, तो इसको आइए इसके ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है लास्ट आइस एरिया, तो लास्ट आइस एरिया मतलब कि ये माना जा रहा था कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये बर्फ का ये नहीं पिघलेगा, पर लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो भी पिघलना बंद हो गया, वो भी पिघलना स्टार्ट हो गया है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है पृथ्वी के ऊपर, जिसकी वजह से अभी दिक्कत देखने को मिल रही है, उसी के बारे में बात की जा रही है। तो क्या जानेंगे क्या टॉपिक है, कुछ लोकेशन भी मैप के ऊपर देखेंगे। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है थर्ड एंग्लो मैसूर वार, तो थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो थी ये टीपू सुल्तान के बेसिकली ये वॉर थी, इसके बारे में बात करूंगा आप लोगों से। इसमें टीपू सुल्तान को काफी कुछ गवाना पड़ गया था एक ट्रीटी साइन करने के बाद में, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली टीपू सुल्तान साहब जो है वो न्यूज में है, तो वो क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है, तो इसलिए हल्का सा इसके बारे में आइडिया आप लोग रख सकते हैं, जानेंगे क्या क्या कंडीशन है, कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। अगर बात करें तो फर्स्ट फीमेल डॉक्टर हमारी कंट्री में जिसके द्वारा प्रैक्टिस किया गया वेस्टर्न मेडिसिन, ठीक है, जिसको आप लोग नॉर्मली हेलोपैथी बोलती है, ठीक है, तो हेलोपैथी उनके द्वारा, देखिए अपनी कंट्री का आयुर्वेदा सिस्टम है, ठीक है, जर्मन से निकलकर आता है होम्योपैथिक सिस्टम, इसी तरीके से हेलोपैथिक आता है वेस्टर्न वर्ल्ड से निकलकर, तो उसमें फर्स्ट फीमेल डॉक्टर उनका नाम आप लोगों को बताना है, रिसेंटली अभी ये न्यूज में थी। आगे बात करें यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा अभी हमारी कंट्री में कुछ चेंज किए गए एक पर्टिकुलर रूल के अंदर में, ये है एक रूल हमारी कंट्री में, इनके बारे में बताना है कब के ये रूल है। जो वेंटेज मोटर व्हीकल होते हैं, पुराने टाइम में आप लोगों ने देखा होगा ना राजा रजवाड़े घुमा करते थे उन गाड़ियों में, उनको रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर को फॉर्मलाइज करने की बात की जा रही है, तो उसके बारे में, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग जानेंगे। अभी रिसेंटली एक वायरस काफी ज्यादा न्यूज में, इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इसको जीरो क्लिक बोला गया है। नॉर्मली आप लोगों को पता है कि कोई आप लोगों के पास में मेल आएगा, मेल पर आप लोग क्लिक करेंगे तो वो आप लोग के बेसिकली मोबाइल में घुस जाएगा, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, पर लेकिन फर्स्ट टाइम यहां पर ये देखने को मिल रहा है कि आप लोग कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस अपने मोबाइल में व्हाट्सएप को इंस्टॉल करके रखो, आप लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी, यानी कि व्हाट्सएप जो है अपने आप अपना कमाल करेगा, कोई उसके ऊपर मिस कॉल करेगा और वो तुरंत आप लोगों के मोबाइल के अंदर एंट्री, और बस फिर देखो बल्ले बल्ले, तो ये हरकतें देखने को मिल रही है। तो व्हाट्सएप ने भी इसके ऊपर चिंता जताई है कि हम लोग इसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ये सारी चीजें जितना ज्यादा जिंदगी को आसान बनाती है उतना ही ज्यादा आप लोग के अंदर घुसती जा रही है, तो इसलिए देखकर चीजों को इस्तेमाल कीजिए, कुछ भी आप लोग हमेशा कोशिश कीजिए अपनी पर्सनल चीजें जो है ज्यादातर मोबाइल से बाहर रखिए, ठीक है, अपना कोई भी फोन है वो इस तरीके से रखिए ताकि उसमें ज्यादा ऐप वगैरह न हो, बहुत कम ऐप रहे, पर लेकिन सारे ऐप आज के डेट में आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है, तो जानेंगे इसके बारे में।
1962 का एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, जिसके द्वारा सेक्शन 124 जो यहां पर जिसको सेडेशन बोलते हैं, बेसिकली राजद्रोह का चार्ज बोलते हैं, तो ये कॉलोनी टाइम पर लाया गया था, यानी कि अंग्रेजों के जमाने का जेलर है ये। तो ये जो अंग्रेजों के जमाने का जेलर है इसको आज की डेट में भी यूज किया जा रहा है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके द्वारा भी बोला गया कि ये क्या हरकतें चल रही हैं यार, इनको बंद करो, बहुत हो गया ये। तो उसके बारे में बात की जा रही है, चलिए जानेंगे जो भी है। आगे यहां पर बात करते हैं, बेसिकली बात की जा रही है एंटी, ये बेसिकली मेथनोजेनिक ये फीड सप्लीमेंट के बारे में बात की जा रही है, जिसको HD नाम भी दिया गया। बोला यह गया कि जानवरों को अगर यहां पर ये चीजें खिलाई जाएंगी तो 17-20% तक उनका जो मेथेन एमिशन है, यानी कि जो गोबर वगैरह भी जो निकलता है वो सारी चीजें उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। इसका बेसिक पर्पज आप लोग समझ सकते हैं, मैं तो इन चीजों में से होकर गुजरा हूं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जब गाय का भैंस का इनका गोबर होता है, इनको जब इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, तो इनको इकट्ठा करके फिर जो किसान होते हैं, जैसे कि इसको फिर बुग्गी में भरकर खेतों में लेकर जाते हैं, फिर इसको जैसे कि खेतों में इसको डाला जाता है, ठीक है, खेतों को तैयार करने के लिए अच्छे से, ताकि उसमें उर्वरक शक्ति बनी रहे। तो जब उस गोबर को उठाकर भरा जाता है उसको, तब उसको पता चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा अगर नॉर्मली आप लोगों ने भरा है कभी वो, तो उसके अंदर से ऐसे नहीं भपका सा निकलता है एक तरीके से, उसके अंदर बहुत उमस निकलती है, तो वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो वो फील कर पाएंगे आप लोग, जैसे गोबर होता है, जैसे जैसे जानवर का गोबर निकलता है उसमें से देखोगे तो भाप सी निकलती है, तो गर्म होता है वो एक तरीके से हल्का हल्का सा, ठीक है, तो उसमें से मेथेन गैस निकलती है। नॉर्मली गोबर गैस का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा ना, तो वही बात आप लोग समझ सकते हैं। तो बोला यह जा रहा है कि मेथेन गैस कम होगी और रिजल्ट यह होगा कि मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो किसानों का जो अभी रिसेंटली बात की जा रही है कि 2022 तक का इनकम डबल करनी है, तो उसमें भी फायदा मिलेगा उनको काफी लार्ज स्केल पर। अभी यहां पर बात की जा रही है एक रिपोर्ट के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, और यहां पर UDISC, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है ये रिपोर्ट, तो स्कूल के एजुकेशन के बारे में यहां पर प्रस्तुत की गई है, ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे, हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिलेगा। स्टार्ट करेंगे यहां पर शॉर्ट न्यूज के साथ में, और ये जो शॉर्ट न्यूज निकल कर आ रही है ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर महाराष्ट्र से निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र में अभी यहां पर जो बृहन्मुंबई जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जिसको आप लोग BMC बोलते हैं, उसके द्वारा यहां पर ये बोला गया कि एक पर्टिकुलर एरिया था यहां पर, ठीक है, जो कि रूल किया गया था टीपू सुल्तान के द्वारा, तो उनके नाम पर उसका नाम रखा जाएगा। बेसिकली एक गार्डन है जिसके नाम पर उसका नाम रखने की बात की गई, यानी कि जिसे टीपू गार्डन नाम रख दिया, ठीक है, पर लेकिन यहां पर इसको लेकर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगा। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि टीपू सुल्तान जो थे उन्होंने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया था, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये बोला गया कि उसका नाम इसके नाम पर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर महाराष्ट्र के अंदर कई सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सामने आ गई, और उन्होंने इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि इसके नाम पर ये नाम क्यों रखा जा रहा है। तो उसी के चलते यहां पर काफी ज्यादा ये न्यूज में आ गया। तो यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बारे में, हल्का सा आइडिया रखेगा, पर्टिकुलर न्यूज इंपॉर्टेंट बन जाती है, खासकर जब हिस्ट्री के पॉइंट से आप लोग बात करते हैं। हम लोग यहां पर बात करते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। तो टीपू सुल्तान के द्वारा जो रूल किया गया था ये था मैसूर वाला एरिया। अगर आप लोग इसको मैप में देख पाएंगे तो आप लोग समझ पाएंगे ये है मैसूर, पुराना मैप है। आज के डेट में कुछ आप लोग कर्नाटका के अंदर देखने को मिलेगा, यहां पर आप लोगों ऊपर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इधर नीचे आप लोग तमिलनाडु, तो उस टाइम पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता था उसकी बात की जा रही है, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो उन्हीं के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इनके द्वारा मैसूर वाले जो एरिया है उसको रूल किया गया, साउथ इंडिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आप लोगों को अगर पता हो तो रॉकेट जो आर्टिलरी होती है तो इनका इनके द्वारा इन्वेंशन किया गया, ये काफी बड़ी इनकी उपलब्धि है। इसी के साथ में काफी कुछ इनके द्वारा नए सिक्के स्टार्ट किए गए, कैलेंडर स्टार्ट किया गया, नया लैंड रिवेन्यू सिस्टम स्टार्ट किया गया, मैसूर में काफी लार्ज स्केल पर स्किल इंडस्ट्री को सपोर्ट किया गया इनके द्वारा, तो काफी कुछ अच्छे काम किए गए, ठीक है। अगर बात करें यहां पर जो एक्सपेंड किया गया इनके द्वारा आयरन का, जो बेसिकली जो मैसूर इनके द्वारा बेसिकली आयरन जो केस्ट ये यहां पर मैसूरियन रॉकेट, इनके एक तरीके से रॉकेट के फील्ड में इनकी काफी ज्यादा महारत हासिल थी, जो इनके बारे में बात करें, और मिलिट्री के फील्ड में भी इन्होंने काफी लार्ज स्केल पर काम किया, ठीक है। तो ये कहने का मतलब यहां पर अगर इनके बारे में आप लोग यहां पर जानेंगे तो इनको टाइगर ऑफ द मैसूर बोला जाता था, और उसी के नाम पर आप लोग यहां पर देखते हैं टीपूस टाइगर, ठीक है। तो ये पिक्चर भी आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इनके द्वारा ये काफी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने वाला इंसान, ठीक है। तो बोला भी गया इनके द्वारा कि वन डे ऑफ लाइफ एज ए टाइगर इज फार बेटर देन 1000 ईयर ऑफ लिविंग एज ए जैकोल, यानी कि एक गीदड़ की तरह 1000 साल जीने से ज्यादा बेटर है कि एक दिन शेर की तरीके से जी के चले जाओ, तो वो ज्यादा बेटर है। तो ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि कोई ऐसा ही इंसान बोल सकता है जिसने जिंदगी को उस तरीके से जिया हो, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। इनको बेसिकली फतेह अली के नाम से भी जाना जाता था। तो आप लोगों को अगर यहां पर टीपू के नाम पर कोई फतेह अली लिखकर दे दे तो ये मत बोलना ये कौन है, ठीक है, तो टीपू साहबी इनका नाम है, ठीक है। तो इनके द्वारा काफी कुछ यहां पर काम किया गया। इनकी जो आप लोगों ने देखा होगा अगर थोड़े लंबे समय से आप लोग न्यूज फॉलो कर रहे हैं
तो इनकी जो तलवार थी वो परचेज की गई यहां पर, ये 98,500 यूरो, ठीक है। तो याद रखना इसके बारे में, यहां पर आप लोग यूरो नहीं, सॉरी ये पाउंड है, ठीक है। यूरो का साइन ये होता है, याद रखना, और पाउंड का साइन ये होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो यूरोपियन यूनियन की ये है यहां पर, और ये है यूके की करेंसी, ठीक है। तो यूरो में देखने को मिला यहां पर। तो इस तरीके से यहां पर काफी लार्ज स्केल पर जो एक तरीके से इनकी जो पुरानी चीजें, अंग्रेजों को पता है आप लोग यहां पर कोहिनूर का हीरा उठाकर ले गए, सारी हरकतें अंग्रेजों के द्वारा की गई, यहां से काफी कुछ चोरी करके ले गए हमारे देश का, इनके द्वारा काफी एक तरीके से इनके द्वारा काफी हिम्मत जुटाई गई, और एक टाइगर भी इनके द्वारा मारा गया, इसी के नाम पर इनका नाम द टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था उसमें मैंने बात की थी थर्ड एंग्लो मैसूर वार के बारे में। तो जो थर्ड एंग्लो मैसूर वार है, इंपोर्टेंट बात उसकी है कि उसके तहत यहां पर ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम साइन की गई। वो एक ऐसी ट्रीटी थी जिसने यहां पर टीटीपु सुल्तान की एक तरीके से बोल सकते हैं कि कमर तोड़ दी, क्योंकि काफी लार्ज स्केल पर जो प्रीवियसली कॉन्कर इनके द्वारा टेरिटरी की गई थी वो सारी इनको लूज करनी पड़ गई। तो ये एंग्लो मराठा वार, यानी कि एक साइड में थे यहां पर एंग्लो यानी कि अंग्रेज, और एक साइड में यहां पर मराठा यानी कि टीपू सुल्तान के अंडर में यहां पर जो फोर्स थी, तो उसके चलते यहां पर ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिली। तो मैप बेस्ड भी अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पर्टिकुलर किस एरिया में है यहां पर ये, तो वो भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज थी, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से आप लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी यहां पर जिनको बेसिकली सेलिब्रेट किया गया गूगल के द्वारा भी। तो गूगल में जब देखते नहीं आप लोग, यहां पर गूगल का सर्च इंजन होता है, तो उसके ऊपर यहां पर कई बार कई सारी पर्सनैलिटी की पिक्चर या फिर उनसे रिलेटेड अचीवमेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। गूगल डोडली के नाम से बेसिकली उसको जानते हैं। तो यहां पर सेलिब्रेट किया गया यहां पर किनको, ये था यहां पर कदाम्बिनी गांगुली। तो कदाम्बिनी गांगुली जो है यहां पर, ये जो डूडल है गूगल के द्वारा सेलिब्रेट किया गया होम पेज इंडिया के ऊपर। तो इसके चलते यहां पर इनके बारे में याद रखिएगा आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। और खासकर अगर वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आए, तो ऐसे ऐसे अगर एग्जाम्पल वहां पर आप लोग देंगे तो आप लोगों का आंसर जो है वो उसमें चार चांद लग जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग ये नाम वहां पर मेंशन कर सकते हैं। तो बात करें तो ये वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन फीमेल डॉक्टर, यानी कि सबसे पहली फीमेल डॉक्टर जिसके द्वारा वेस्टर्न मेडिसिन यानी कि जो एलोपैथी के फील्ड में यहां पर काम किया गया, तो इनके द्वारा, ठीक है। तो ये इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। तो वुमेन जैसे कि जैसे आप लोगों को यहां पर आनंदीबाई जोशी, उनके साथ में मिलकर भी यहां पर इनके द्वारा काम किए गए, तो ऐसी पर्सनैलिटी की कैटेगरी में देखने को मिलेगा। फर्स्ट जो वुमेन थी जिसके द्वारा एडमिशन लिया गया कोलकाता मेडिकल कॉलेज 1884 में, ठीक है, यानी कि 1884 में, जब लड़कियों की एजुकेशन के बारे में कोई बात भी नहीं करता था। उसके बाद इनके द्वारा ट्रेनिंग की गई यहां पर स्कॉटलैंड के अंदर, ठीक है। तो सक्सेसफुल मेडिकल प्रैक्टिस की गई इनके द्वारा। आगे बात करें यहां पर बैथून स्कूल, ये है 1878 का, इसको बताइए कहां पर है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली वेस्ट बंगाल के अंदर में। तो फर्स्ट वुमेन थी जिसके द्वारा पास किया गया यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता एंट्रेंस एग्जाम। इनके साथ मिलकर यहां पर चंद्रमुखी बासु, ये यहां पर फर्स्ट ग्रेजुएट बनी यहां पर बैथून कॉलेज के अंदर में, और फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट कंट्री के अंदर एंटायर ब्रिटिश एम्पायर के अंदर में। तो इस तरीके से आप लोग समझिए उस टाइम पर जब महिलाओं को किस तरीके से रखा जाता था, तो उस टाइम पर पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर इनके द्वारा इतना बड़ा अचीवमेंट किया गया, तो सैल्यूट करने लायक बात है कि नहीं है। और आगे अगर आप लोग बात करें यहां पर, इसी के साथ में आप लोग ये भी सीख सकते हैं यहां पर, कहीं ना कहीं अगर आप लोग लड़कियों को पढ़ाओगे, लड़कियों को उनको टैलेंट दिखाने का मौका अगर दिया जाएगा, तो लड़कियां कभी पीछे नहीं हटेंगी यार। पर लेकिन ये है कि मौका ही नहीं दिया जाता है कई बार, इसीलिए हम लोग हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं। इसलिए हम लोग हमेशा, आप लोगों ने देखा ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं हम लोग हमेशा, कि हमको रिड्यूस करनी है इनइक्वलिटी, इसके बारे में बात करते हैं। तो मेल और फीमेल के बीच में, मैक्सिमम लड़का और लड़की के बीच में, ये सारी चीजें आप लोगों को बड़ी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगी, जो कि गलत है। इस तरीके की चीजों से कम हम लोग को ऊपर उठना चाहिए। तो इसके बारे में यहां पर ये बात की जा रही है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी, हल्का सा आइडिया इसके बारे में रखेगा, कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके। आगे बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जो कि नितिन गडकरी जी के अंडर में है। इनके द्वारा यहां पर अभी बात की गई सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल, जो कि 1989, तो यहां पर इनको चेंज करने की, ठीक है। तो ये यानी कि 1989 के जो यहां पर रूल है, यहां पर 1989, तो उनको चेंज करने की बात की गई। तो इसके चलते फॉर्मलाइज करने की बात की जा रही है जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है वेंटेज मोटर व्हीकल का। एम बेसिकली ये है कि प्रिजर्व किया जा सके और प्रमोट किया जा सके जो हेरिटेज है ओल्ड व्हीकल इस तरीके के, क्योंकि हमारी कैट देश से भी आप लोगों को ये देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो कई सारी यहां पर टॉप जो बेस्ट 5 वेंटेज कार अगर इंडिया में आप लोग सर्च करेंगे, तो कुछ ऐसी ऐसी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। कोई पूछेगा नहीं, पर हां आप लोगों से पूछे कि आप लोगों की बेस्ट कार कौन सी है, कोई उस तरीके से आप लोगों से कोई बात करे, तो कई सारे बच्चों के द्वारा बोलेगी, एक के द्वारा ये बोला गया, सर मुझे बेसिकली वो नहीं, क्या नाम था गाड़ी का, स्कॉर्पियो थी आई थिंक, स्कॉर्पियो थी, उसने बोला कि सर स्कॉर्पियो चाहिए, वो भी जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हो।
तो देखिए यार, आप लोग आज की डेट में अपना इस तरीके से कोई ना कोई अपना इस तरीके का गोल माइंड में रखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, आप लोग प्रोडक्टिव तरीके से काम कर पाएंगे। माइंडसेट बना कर रखिए चीजों के लिए, उससे आप लोग और प्रोडक्टिवली आप लोग रिजल्ट निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर बात करें तो व्हीकल जो है ऑलरेडी रजिस्टर है, उसके तहत आप लोग ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन भी है, तो यहाँ पर अगर फिर से रजिस्ट्रेशन कराना है या ऑलरेडी रजिस्टर है तो उसको भी आप लोग यहाँ पर बेसिकली चेंज करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है, तो ये अभी रिसेंटली न्यूज में आ गए। इसके रजिस्ट्रेशन जो मार्क रहेगा यहाँ पर XXVAYY, जहां पर वी ए है स्टैंड फॉर वेंटेज, XX है यहाँ पर बेसिकली स्टेट कोड जिस भी स्टेट का हो गया, और YY है यहाँ पर ये बेसिकली टू लेटर सीरीज जिसके चलते यहाँ पर डिफ्रेंशिएट इनके अंदर किया जाएगा। 8 इज द नंबर ऑफ फ्रॉम 01 से लेकर 99 तक अलॉट किया जा रहा है स्टेट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा अगर आप लोग तमिलनाडु से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, तो उसका उसी तरीके का आप लोगों का कोड होता है, व्हीकल के ऊपर लिखा रहता है। ठीक है, आप लोग बताइए आप लोगों के राज्य का, क्या आप लोगों को पता है कि क्या है? ठीक है, तो आप लोग बताइए, इसके बारे में पता होना चाहिए आप लोग। डीएल तो आप लोगों के पास में हो गई, आप लोगों ने गाड़ी भी चलाई होगी, पर क्या कभी इन चीजों पर फोकस दिया है? ये छोटी छोटी जनरल नॉलेज की चीजें होती है जो कि आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनके बारे में हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। कुछ और बेसिक चीजें अगर आप लोगों को इसके बारे में जाननी है, तो चाहे कोई टू व्हीलर हो या फिर फोर व्हीलर हो, यहां पर 50 प्लस एज अगर उसकी एज है तो यहां पर उसको वेंटेज मोटर व्हीकल की कैटेगरी में डाला गया है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन यहां पर लाया जा सकता है फॉर्म 20 के बेस पर, जो कि यहां पर इंश्योरेंस पॉलिसी फी बिल एंट्री केस वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, या फिर आरसी वगैरह। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा गाड़ी की आरसी, आप लोगों ने कई बार सुना होगा ना गाड़ी की आरसी, बताओ भाई आरसी कहां रखी हुई है? ठीक है, वरना चलान कट जाएगा। तो आरसी की फुल फॉर्म क्या आप लोगों को पता है? बताइए, चलिए देखता हूं कौन बताता है। छोटी छोटी चीजें यार ये माइंड से निकल जाती है कई बार। स्टेट जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर अथॉरिटी, उसके बारे में बात करें तो उसके द्वारा सर्टिफिकेशन की बात की जाए रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 23 ये विद इन 60 डेज। अगर बात करें फी जो है, अगर आप लोगों को नया कोई रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसके लिए 20,000 लगेगा, और पुराना अगर री रजिस्ट्रेशन कराना है तो 5,000 लगेगा उसकी फीस। अगर कोई भी यहां पर वेंटेज मोटर व्हीकल जो है वो रजिस्टर कराया गया है, उसको आप लोग एक तरीके से, ऐसा नहीं कि आप लोग एक तरीके से उसको रेगुलरली रोड पर चला रहे हैं कमर्शियल पर्पज के लिए आप लोग उसको चला रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो एक तरीके शाही चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सड़कों पर पड़ी फिर रही है, तो शाही ही उसका एक अंदाज होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग सोच सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिकली बात की जा रही है। आप लोगों को पर्सनली कैसी लगती है इस तरीके की गाड़ियां? ठीक है, आप लोग बताइए अगर इनके बारे में आप लोग सोचते हैं तो कैसा फील होता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है पेगासस वायरस के बारे में। ठीक है, तो पेगासस स्पाईवेयर जो है यहाँ पर ये रिसेंटली अभी न्यूज में, और इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, ये जीरो क्लिक अटैक के बारे में बात की जा रही है। अगर व्हाट्सएप के अंदर आप लोगों के मोबाइल में अगर व्हाट्सएप है और उस पर एक कॉल आ जाती है, चाहे आप लोग वो कॉल उठाए चाहे ना उठाए, वो कॉल मिस कॉल हो जाए, तो भी ये वायरस जो है आप लोग के उसके अंदर फोन के अंदर एंट्री कर जाएगा। और ये डजंट मैटर कि आप लोगों के पास में iOS यानी कि आईफोन है या फिर एंड्रॉयड फोन है, दोनों के लिए यहाँ पर ये बेसिकली खतरा साबित होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो ये अभी काफी खतरनाक ये वायरस है, और यहाँ पर जो NSO ग्रुप है इसराइल का, उसके द्वारा ये वायरस डेवलप किया गया था। बेसिकली जो गवर्नमेंट है उसको ये प्रोवाइड कराया जाता है ताकि वो अपनी कंट्री में सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए काम कर सके, कोई भी कुछ उल्टी सीधी हरकतें करे तो उसके ऊपर नजर रख सके गवर्नमेंट, तो इसलिए यहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो इसके चलते यहाँ पर अभी कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं कि अपोजिशन के लीडर, कई सारे जर्नलिस्ट इस तरीके से यहाँ पर उनको अभी रिसेंटली ये यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, कि उनके जो मोबाइल है उनको ट्रैक किया गया है, तो इसके चलते यहाँ पर काफी ज्यादा न्यूज में है। तो ये बेसिकली मैंने आप लोगों को बता दिया कि जीरो क्लिक के ऊपर काम करता है, तो क्वेश्चन अगर बन जाएगा तो फिर कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कि ऐसे थोड़ी ना होता होगा कि लिंक पर क्लिक करना पड़ता है तभी तो आएगा वायरस, तो ऐसा नहीं है, अब वायरस बिना क्लिक करे ही आ जाएगा। ठीक है, तो तरीका सीधा सीधा है कि व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दो, अब तो टेलीग्राम यूज कर लो, टेलीग्राम अब तो बहुत सारे और भी ऑप्शन आ रखे हैं, व्हाट्सएप के पीछे क्यों पड़ रहना है। अगर बात करें तो ऑल्टर करने की बात की जा रही है, आप लोग की कॉल रोग वगैरह सारी चीजें ऑल्टर कर सकते हैं, आप लोग की जो बेसिकली फोन है उसको अपने कब्जे में ले लेगा ये, तो कॉल लोग रीड करेगा, मैसेज मेल होगा, कैलेंडर के कोई इंपॉर्टेंट आप लोग की जो भी गैदरिंग कोई डेटा होगा सेंड कर सकता है इन्फॉर्मेशन, ये भी याद रखेगा। ठीक है, तो इस एक तरीके से जो भी आप लोग इन्फॉर्मेशन पास में आ रही है उनको पढ़ सकता है, और ये मैन्युअली भी इंस्टॉल किया जा सकता है डिवाइस के अंदर में, आप लोग ये भी देख सकते हैं। ठीक है, और नॉर्मली तो जैसे बताया दिया व्हाट्सएप की कॉल से भी हो जाएगा। अगर ये गलत जगह कहीं पहुंच गया तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जोन में भी आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, यानी कि अपने आप ही खत्म हो जाएगा अगर गलत जगह पहुंच गया। 60 दिन के अंदर अगर यहां पर कमांड पर यह नहीं कनेक्ट हो पाया तो भी यहां पर यह सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा और रिमूव कर देगा सारी चीजें। ठीक है, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसके द्वारा बोला गया यहां पर कि बेसिकली सिक्योरिटी अपडेट को ध्यान में रखते हुए अभी यहां पर देखना पड़ेगा कि ये एक तरीके से प्राइवेसी का भी इशू आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री में केएस पुत्तास्वामी केस आया था ना 2017 में, तो क्या बोला था उसने, कौन से आर्टिकल के तहत याद है ना, बताइए कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 21 था। तो आर्टिकल 21 के तहत उसके द्वारा बोला गया कि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, तो उसका भी हनन करता हुआ नजर आ रहा है। तो सेफ रहने के लिए यहां पर
जरूरी है कि कोई भी इस तरीके से अगर आप लोग देखिए ऐप वगैरह को कम से कम इंस्टॉल करते रहिए, अपडेट कोई आती है नई ऐप में तो उसको आप लोग इंस्टॉल करते रहिए, ठीक है। और कोशिश ये करिए कोई भी दिक्कत देखने को मिलती है तो फोन को तुरंत उसको रीस्टार्ट करिए, क्योंकि कई बार ये तो चलिए धाकड़ तरीके का वायरस हो गया जो कि यहाँ पर एक पावरफुल वायरस है, इसका तो कुछ नहीं, पर नॉर्मल तरीके छोटे छोटे वायरस होते हैं वो को कम से कम आप लोग अपनी जिंदगी उनसे बचा सकते हो, तो उसके लिए कम से कम आप लोग को ये सारी चीज ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फोन यहाँ पर रखा हुआ है, उसके अंदर पेगासस वायरस है वो आ गया, आप टीवी देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पर किसी के साथ में बैठ के गप्पे फेंक रहे हैं, कुछ भी आप लोग अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, कुछ भी आप लोग यहाँ पर, तो सारी चीजें यहाँ पर ये सुनता रहेगा, ठीक है। एक तरीके से इतना खतरनाक लेवल का ये वायरस आप लोग को देखने को मिलेगा, फोन का जो बेसिकली एक पूरा क्लोन बना लेता है यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोगों के फोन में जो चल रहा है चल रहा है उसकी सारी चीजें कॉपी कर पूरा क्लोन मिलेगा, जहां पर उसको दूसरा कोई पर्सन दूर बैठा हो भी उसको हैक कर सकता है, पूरी सारी चीजें आप लोग ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टॉल हो गया जैसे ये मेलवेयर यहाँ पर उसका एक क्लोन बन जाएगा फोन का, ठीक है, सर्वर के ऊपर, तो वहां पर जो इंसान है वो सारी जो भी यहाँ पर चीजें हैं डेटा जो है सारा जो भी क्लाउड के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और फिर पर्सनल डेटा भी यहाँ पर सारी चीजें जो है वो सर्विलेंस की कैटेगरी में आ जाएगी, तो इतना खतरनाक आप लोगों को यहाँ पर ये वायरस देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मैसेज व्हाट्सएप आई मैसेज या फिर कोई भी जो भी सारी चीजें हैं यहाँ पर, ये सारी चीजों को बेसिकली अपने कंट्रोल में ले सकता है, तो ये है पेगासस का खेल। तो ध्यान रखिए इस तरीके से अपनी चीजों यानी कि आपकी चीजें आप लोगों के हाथ में अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत होती हुई नजर आएगी। शॉर्ट न्यूज इंपॉर्टेंट है, इसके साथ में इसी के साथ में कनेक्ट करती हूँ, हम लोग दूसरी न्यूज देखेंगे यहाँ पर। अच्छा, कोई मेरे जैसा बेवकूफ भी है जो व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहा आज की डेट में? बताइए जरा आप। व्हाट्सएप जो है, देखिए मैं बेसिकली व्हाट्सएप किस लिए यूज करता हूँ, जैसे कि कभी किसी को जरूरी कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है और वो व्हाट्सएप पे ही सेंड करेगा, उसके पास में कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है, कि नहीं यार व्हाट्सएप पे कर देता हूँ, तो उसको क्या किया, इंस्टॉल किया, तुरंत उसमें मैसेज देखा और तुरंत अनइंस्टॉल कर दिया। मेरा ये फंडा रहता है व्हाट्सएप का, तो व्हाट्सएप जो है मैंने बहुत कम जिंदगी में यूज किया स्टार्टिंग से ही। एक तो मुझे सबसे बुरी चीज व्हाट्सएप की ये लगती है पर्सनली, जो आप लोगों को बताऊं, व्हाट्सएप पे जैसे ही मैसेज आ गया तो वो दिखा देता है कि मैसेज जो है वो डिलीवर हो गया, ठीक है। अब सामने वाला देख नहीं रहा है उसको तो ये लगने लगता है कि ये मैसेज क्यों नहीं देख रहा है, ठीक है। अगर टेलीग्राम पर आप लोग सेंड करेंगे तो जब तक पर्टिकुलर पर्सन उसको जाकर खोलेगा नहीं तब तक उस पर कोई टिक बनी हुई नहीं आएगी, सामने वाले को ये भी नहीं पता चलेगा इसके पास में इंटरनेट भी है या नहीं है, यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो कम से कम सामने वाले की प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए था इनको। तो व्हाट्सएप में मुझे कई सारी ऐसी गंदी चीजें लगती हैं कि यहाँ पर फालतू में आप लोगों को देखने को मिलेगी बहुत सारी हरकतें, फालतू की चीजें शेयर की जाती हैं कई बार जिनका कोई सर नहीं है पैर नहीं है, ठीक है। नींबू की बूंद जो है नाक में डाल लो कोरोना भाग जाएगा, हाँ कोरोना तुम्हारी फुफी का छोरा है ऐसे ही भाग जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपनी प्राइवेसी आप लोगों के हाथ में, जो आप लोग ढंग से इंजॉय कर सकते हैं। ये जो न्यूज में आगे आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ इसमें छोटी सी एक दिक्कत हो गई है बेसिकली, मैंने आप लोगों को बाद में मतलब वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में मुझे एकदम पता चला कि मैं हर जगह यहाँ पर मेक्सिको मेक्सिको बोल रहा हूँ न्यूज के अंदर, जबकि बात की जा रही है न्यूज के अंदर क्यूबा की, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैप में वीडियो के अंदर जब मैंने रिकॉर्ड कर दी तब मुझे पता चला कि मैंने कहा ऐसा कुछ कर दिया, तो फिर पॉसिबल नहीं था, तो मैंने सोचा स्टार्टिंग में बता दूंगा आप लोगों को कि जहां पर भी मैं क्यूबा बेसिकली न्यूज में और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैप में मेक्सिको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई है, वरना दिखाना था क्यूबा, तो क्यूबा आप लोगों को पता ही है, क्यूबा यहाँ पर आप लोग देखिए ये हो गया फ्लोरिडा, ठीक है, तो इसके नीचे क्यूबा देखने को मिलेगा और मेक्सिको इधर है, तो मुझे क्यूबा दिखाना था बेसिकली पर मैं मेक्सिको दिखा रहा था गलती से, ठीक है। तो ये न्यूज के अंदर देखने को मिलेगा तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, और दो न्यूज है इससे रिलेटेड, तो इसलिए मुझे लगा कि छोटा सा डिस्क्लेमर डाल देता हूँ न्यूज के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो याद रखना जहां मेक्सिको दिखा रहा हूं मैप में इसका मतलब क्यूबा है, गलती से मेक्सिको दिखा रहा हूं, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये जो न्यूज निकल कर आ रही है ये यूएसए और बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगी फ्लोरिडा, जो यूएसए में फ्लोरिडा है यहाँ पर, ये एग्जैक्ट मैप आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यूएसए और यहाँ पर आप लोगों को फ्लोरिडा देखने को मिलेगा, तो गल्फ ऑफ मेक्सिको के नीचे यहाँ पर मेक्सिको है, तो इसके बारे में बेसिकली बात की जा रही है। अभी जो फ्लोरिडा है यहाँ पर तो रिपब्लिकन गवर्नर है जिनका नाम है रोल्ड डेसेंट्स, ठीक है। तो इनके द्वारा अभी यहाँ पर ये बात की गई है कि जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है उनसे गुहार लगाई गई है कि क्यूबा के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया और वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करें आज के डेट में, उनके पास में कोई भी राहत की सांस नहीं है, तो कम से कम हम लोग को उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग से ही देखें यहाँ पर एक काफी रस्साकसी रहती है यूएसए और क्यूबा के बीच में। आप लोगों को याद होगा 1962 की जो क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस था, वो सारी बातें, तो कुछ उसके बारे में बात करूंगा। तो आज की डेट में कंडीशन आप लोग ऐसे ही देखने को मिलेगी, तो इनके द्वारा बोला गया कि देखिए हम लोग ऐसा भी तो कुछ कर सकते हैं ना, हम लोग इस तरीके से जो नहीं है जो गूगल के द्वारा स्टार्ट किया गया था ये इस तरीके का बैलून वाला सिस्टम इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए, तो यहाँ पर गूगल के द्वारा कीनिया में इसको बेसिकली यहाँ पर एक स्टडी भी की गई थी इसके ऊपर कि कोई ऐसा बैलून आप लोग छोड़ दोगे और वो बैलून जो है वो आसमान में जाएगा, आसमान में जाने के बाद में वो आसानी से आप लोगों को यहाँ पर इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करा देगा उस पर्टिकुलर एरिया में, अगर कोई इंटरनेट यूज करना चाहता है भले ही गवर्नमेंट कितना भी बंद क्यों ना कर ले वहां पर। तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी इंटरनेट नहीं मिल पा रहा है उनको सबको इंटरनेट मिल पाएगा, तो यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड बैलून अगर छोड़े जाते हैं तो ये बेसिकली स्टार्ट किया गया था एक प्रोजेक्ट, आप लोगों से मैंने डिस्कस भी किया था
नून इसका नाम दिया गया था। ये अल्फाबेट, अल्फाबेट कौन है? ये गूगल के पापा है, ठीक है। तो गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, पापा मम्मी दोनों बोल सकते हो वैसे, ठीक है। पापा बोलने की कोई अकेला जरूरत नहीं, यानी कि पेरेंट है, ठीक है। अगर बात करें यहां पर, बेसिकली जनवरी में यहां पर इनके द्वारा अभी देखने को मिले तो शट डाउन कर दिया गया था ये प्रोजेक्ट, क्योंकि इनको ये लग रहा था जितना महंगा ये प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ रहा है ना, इसको छोड़ना उस तरीके से प्रोजेक्ट को ये काफी ज्यादा महंगा पड़ जा रहा है, तो इसके चलते उतना ज्यादा बेनिफिट यहां से हो नहीं पाता है। तो इसके चलते इनके द्वारा ये जो प्रोजेक्ट था ये बंद कर दिया गया था। पर इंपॉर्टेंट बात यहां पर, ये जो बैलून था वो इतनी हाइट पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बादल वगैरह सब इसके नीचे, हवाई जहाज वगैरह सब इसके नीचे रहेंगे। बैलून जो था यहां पर लगभग 12 माइल्स ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो लून प्रोजेक्ट था, इनका बेसिक पर्पज ये था कि उस एरिया में भी इंटरनेट की फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करा सके, जहां पर इंटरनेट की फैसिलिटी वायबल नहीं है, आराम से पॉसिबल नहीं करा जा सकते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए पहाड़ों में आप लोग जाते हैं आखिर में, तो पहाड़ों में खंबा लगाना और बिजली पहुंचाना टफ काम है, तो क्या करो, सबके छत पर सोलर पैनल लगा दो, आराम से छठ मंगनी पट भी हवा वाली बात हो जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही कि जहां पर इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा पाते, दूर दराज वाले एरिया है, तो वहां पर आप लोगों को अगर इस तरीके से चीजें करनी है, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे नहीं कि आप लोग पहले इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करो वहां पर, और फिर जाकर आप लोग उनको क्या करो, पहले उनको फिर अपने आप लोग सर्विस प्रोवाइड करो वैसे, यानी कि पहले किसी, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंसान के मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, ठीक है, तो उसके मोबाइल में आप लोग क्या करो, रिचार्ज करवा दो, ठीक है। तो फिर वो क्या करेगा, वो फिर अपना ऐप वगैरह डाउनलोड करेगा, जो उसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, वीडियो देखना होगा देखेगा, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो जब तक इंटरनेट नहीं होगा तो सर्विस स्टार्ट नहीं करेगा, अगर इंटरनेट हो गया तो गूगल भी यूज करेगा और यूट्यूब भी यूज करेगा, ये सारी चीजें यूज करता हुआ नजर आएगा। तो अपनी सर्विस को दूर तक पहुंचाने के लिए इनके द्वारा ये काम किए गए, तो अच्छा काम था, कम से कम जो लोग इससे नेग्लेक्टेड है वो भी इस कैटेगरी में आकर इसको एंजॉय करना स्टार्ट कर दें, तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिली। पर लेकिन इसका फायदा नहीं देखने को मिला, और आप लोगों को पता है प्राइवेट वाले क्या करते हैं, तो प्रॉफिट के ऊपर रहते हैं, प्रॉफिट जहां दिखा नहीं वहीं से अपना कल्टी मारकर चल दी, तो उसी को यूज करने की बात की जा रही है। कम से कम अभी इसको यूज किया जा सकता है, जैसे केनिया में यूज किया गया, यहां पर टेलीकॉम के साथ में बेसिकली, यहां पर केनिया के अंदर अभी यहां पर इसको यूज किया जा सकता है इस पर्टिकुलर एरिया में। तो वायरलेस कम्युनिकेशन यहां पर देखने को मिलता है, इसकी हेल्प से यहां पर बेसिकली प्यूर्टो रिको के अंदर भी, यहां पर आफ्टर जब हुरिकेन आया था यहां पर, जिसका नाम रखा गया था मारिया, उस टाइम पर ये पर्टिकुलर एरिया में भी इसको प्रोवाइड कराया गया था। तो अभी यहां पर ये चाह रहे हैं कि यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया के लिए, यानी कि जो यहां पर बेसिकली जहां पर अभी ये शट डाउन चल रहा है, सारी चीज चल रही है मेक्सिको के अंदर, वहां पर भी हम लोग इसको प्रोवाइड करा दें, तो ये इनके द्वारा कोशिश की जा रही है। इसके मैप को एक बार अपनी कंट्री कंपेयर में आइए एक बार देख लेते हैं, सॉरी एक मिनट, अच्छा ये हाँ अच्छे, तो टेलीग्राम खुल गया, टेलीग्राम पे देखिए आप लोग की जो 19 की जो पीडीएफ बची हुई थी वो भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। तो इसको भी आप लोग यहाँ पर जाकर देखते हैं, तो ये पीडीएफ आप लोग की सारी प्रोवाइड करा दी है, और भी कई सारी चीजें मिल जाती है यहाँ पर, तो उनको भी आप लोग इन्जॉय कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो भी चीज देखिए, मैं आप लोगों को लगता है ना कभी इसे आज न्यूज़पेपर लेट हो गया था मॉर्निंग में, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर डाउनलोड ही नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ पर मेरा वो ओपन ही नहीं हो रहा था, तो उसमें क्या था बेसिकली फिर से मैंने उसको जो पूरा नहीं कि एक तरीके से जो फिर से रीस्टार्ट किया और पुरानी पुरानी चीजें जो पड़ी रहती है सर्चिंग में उनको हटाया, तब जाकर वो वेबसाइट खुली, वरना हिंदू की वेबसाइट ही नहीं खुल रही थी मेरे इसे चैनल से, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, तो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। कभी मुझे लगता है कुछ लेट हो रहा है तो आप लोगों का टाइम जो है वो बहुत कीमती है, वो आप लोगों का वेस्ट नहीं होना चाहिए, या तो रिविजन करो बैठकर अपनी पढ़ाई करो, या फिर जो भी आप लोग कर रहे हैं, पर टाइम को इधर उधर वेस्ट मत करो, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखें, तो अच्छे से टाइम को यूटिलाइज कीजिए। एक और बात जो कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं यहाँ पर, कई सारे बच्चों के द्वारा कई बार यहाँ पर ये बातें पूछी गई कि सर आंसर राइटिंग कहाँ पर करनी है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग के ऊपर भी मैंने आप लोग कई बार बताया यहाँ पर, तो उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि अगर बात करें, एक सेकेंड क्या हो गए, ऐसे कर से कर रहा है, अलाउ नहीं करने दे रहे इसको, वन सेकेंड। ये है आप लोगों के लिए आंसर राइटिंग का, ठीक है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर, ये आज का ही क्वेश्चन मैंने पोस्ट किया था बेसिकली, ठीक है, 20 तारीख का। तो यहाँ पर आंसर राइटिंग का पूरा, यहाँ पर सब बच्चे आंसर लिखते हैं, आप लोग जाकर अपने आंसर लिख सकते हैं, एक दूसरे का आंसर भी एनालिसिस यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। एक दूसरे को आप लोग देखें यहाँ पर कितने सारे बच्चों के द्वारा तो आंसर पोस्ट किया जाते हैं, एक दूसरे का आंसर यहाँ पर एनालिसिस भी करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो लगभग 45,000 के करीब बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसका लिंक भी वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा, जहां पर आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें अवेलेबल है और सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है इनका, तो अच्छे से अपनी पढ़ाई पर फोकस आप लोग कर सकते हैं अगर रियलिटी में सीरियस है। देखिए जो इंसान सीरियस है ना वो कुछ भी कर सकता है, और जो सीरियस नहीं है फिर उसके सामने तो जो वही बात होगी, कुछ ही करते रहो, वो नहीं करेगा, उसको नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखिए आप लोग। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो न्यूज निकल कर आ रही है अभी काफी लार्ज स्केल पर, जो बेसिकली जो दिखाना था वो तो रह गया फिर से अभी न्यूज में आएगा, एक बार दिखा देता हूं अपनी प्यारी कंट्री यहां पर आप लोग को देखने को मिल रही है। थोड़ा सा इधर अगर आप लोग जाएंगे, थोड़ा सा इधर अगर आप लोग जाएंगे, तो यहां पर ये हो गया यूएसए, ये हो गया मेक्सिको। तो यहां पर बात की जा रही, तो अपनी कंट्री कंपेयर में जरूर देखा कीजिए, और ये हो गया यहां पर फ्लोरिडा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा,
ठीक है, तो ये हो गया गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो इस तरीके से देखिए, फ्लोरिडा इधर हो गया, कैलिफोर्निया इधर हो गया, लॉस एंजलिस इधर हो गया यहाँ पर, कैलिफोर्निया आप लोग देखते हैं यहाँ पर, और न्यूयॉर्क जो कैपिटल है वो इधर हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से समझिए आप लोग यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें, वॉशिंगटन सॉरी कैपिटल, न्यूयॉर्क तो एक अलग सिटी है, वॉशिंगटन है कैपिटल यहाँ पर, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, तो ये एक्जैक्टली आप लोग देखिए यहाँ पर ये सारी लेक हो गई, पांच लेक जो काफी इंपॉर्टेंट लेक मानी जाती है। तो जब भी आप लोग मैप को जूम कर आप लोग देखोगे तो सारी चीजें आप लोगों के सामने आ जाएंगी। बस जो आलस नहीं करेगा वही जो इंसान है वो लाइफ में सक्सेस होगा। तो आलस नहीं करना है, जिसने आलस करेगा तो उसके कर्म फूटेंगे, फिर आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे उसमें, तो आलस छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी चल क्या रहा है, काफी लार्ज स्केल पर बहुत सारे लोग जो है वो सड़कों पर आ गए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है यहां पर आज की डेट में ना तो ढंग से फूड प्रोवाइड करा रही है, ना ढंग से मेडिसिन प्रोवाइड करा पा रही है। कोविड 19 के रेस्पॉन्स में खस्ता हालत हो चुकी है देश की, तो लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए। तो यहां पर आज की डेट में कम्युनिस्ट जो पार्टी है वो रूल करती है। पुराने टाइम से अगर बात करें यहां पर, काफी लंबे समय से अगर देखोगे आप लोग यहां पर, तो सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में रहा करता था क्यूबा। तो सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में रहकर इसकी जिंदगी चलती थी, यहां पर यूएसएसआर जो था उसका वर्चस्व चला करता था, तब से लेके यहां पर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। पर प्रेजेंट टाइम पर यहां पर जो गवर्नमेंट है वो ढंग से काम नहीं कर रही है। बराक ओबामा साहब के द्वारा अच्छे रिलेशन स्टार्ट करने की कोशिश की गई थी क्यूबा के साथ में, पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही बोला कि दीवार बनाऊंगा, चीन की दीवार जैसी एक क्यूबा के बीच में और यूएसए के बीच में दीवार बनाऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम जो भी उल्टी सीधी हरकतें होती हैं यूएसए के अंदर वो क्यूबा के लोग करते हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता था डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा। तो कई सारी ऐसी बातें थी, पर आज के में सबसे ज्यादा जो लोग जो है एंगर के हैं, क्योंकि इकोनॉमी जो है उसकी खस्ता हालत हो चुकी है, लोगों को ना खाना मिल रहा है ना दवाइयां मिल रही है, प्राइस जो है वो थोड़ी थोड़ी चीजों के बहुत ज्यादा बढ़ गए, इन्फ्लेशन आ गया, यानी कि जो चीज पहले 5 रुपए में आती थी वो चीज आज के में 500 रुपए में आ रही है, तो कैसे लोगों का काम चलेगा। तो गवर्नमेंट जो है पेंडेमिक को हैंडल ही नहीं कर पा रही है, तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। ऊपर से क्यूबा के द्वारा काफी ज्यादा सैंक्शन, क्यूबा के ऊपर काफी ज्यादा सैंक्शन लगा रखे हैं कोविड यहां पर यूएसए के द्वारा, तो ये भी काफी लंबे समय से इनके बीच में रस्साकसी चलती रहती है। तो प्रेजेंट टाइम पर यहां पर जो मिगुल डिएज कैनाल है यहां पर, उनको बेसिकली बोला गया है प्रोटेस्टर के द्वारा कि अपनी गद्दी छोड़ो और भागो यहां से जब तुम्हारे बस की नहीं है। तो क्यूबा के जो प्रेसिडेंट है वो ब्लेम कर रहे हैं यूएसए को, जैसे अभी ना पाकिस्तान के जो एम्बेसडर की जो बेटी थी वहां पर अफगानिस्तान के अंदर गिरफ्तार कर ली गई, तो वो क्या कर रहे हैं, वो इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है, कि इंडिया ने ये काम कराया। तो इसी तरीके से यहां पर ये ब्लेम कर रहे हैं यूएसए की, यूएसए हरकतें यहां पर करा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसी के चलते सैंक्शन यूएसए इंपोज करता रहता है क्यूबा के ऊपर, क्योंकि इनकी दोनों की बनते नहीं है, वहां पर कम्युनिस्ट रूल है और यहां पर ये चाहते हैं प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंपनी आए, कंट्री आए, और यहां पर पर्टिकुलर वे में कोशिश ऐसी की जाए कि यहां पर कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट रिजीम आ जाए, ठीक है। तो कम्युनिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली एक तरीके से आप लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है सारी पावर उसके हाथ में रहती है नॉर्मली, ठीक है। कैपिटलिस्ट में क्या रहता है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में पावर रहती है मैक्सिमम। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग। तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा यूएसए का जो स्टैंड है वो बोलते हैं, वो क्यूबा के लोगों के साथ में, वो बोलते हैं कि तुम प्रोटेस्ट करो और उठा के फेंको इनको, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। तो वो वाली हरकत है। तो कहीं ना कहीं माहौल जो है वो काफी ज्यादा गरमाया हुआ है क्यूबा के अंदर, देखते हैं शांति कैसे आ पाएगी, अभी फिलहाल इसी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो बेसिकली आस पड़ोस देश वाले भी चाहते हैं कि शांति न बनी रहे, क्योंकि अगर शांति रहेगी तो फिर उनके हिसाब से काम नहीं चलेगा ना, तो इसी चीजें रहती हैं, सब ऐसे ही है। कोई नहीं चाहता किसी का भला हो, सब चाहते हैं कि दूसरे की जिंदगी में शांति बनी रहे ताकि वो लाइफ को एंजॉय कर सके। मैक्सिमम लोग आप लोग आसपास में ऐसे ही मिल जाएंगे, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आप लोगों की जिंदगी में शांति लेकर आएंगे और आप लोगों का माइंड जो है वो शांत रखेंगे, आप लोगों की जिंदगी को आसान बनाएंगे, वरना मैक्सिमम लोग आप लोगों को उल्टी सीधी हरकतें करते हुए नजर आएंगे। बात की जा रही है सेडेशन के बारे में, यानी कि देशद्रोह के चार्ज के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है अंग्रेजों के जमाने का जेलर है यहाँ पर, जो पर्टिकुलर सेक्शन 124 आप लोग यूज कर रहे हैं, आखिर क्यों यूज कर रहे हैं आज की डेट में भी। तो ये किसका सेक्शन है, ये आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता। तो भारतीय दंड संहिता का ये सेक्शन आप लोग आज तक भी यूज कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, ये जो फंडामेंटल राइट है लोगों के फ्री स्पीच के बारे में अगर बात करते हैं, जैसे कि आप लोग बात करें आर्टिकल 19 के अंदर में देखने को मिलेगा, तो ये उसको चिलिंग इफेक्ट देता है, यानी कि उसको यहां पर अच्छे से एंजॉय नहीं करने देता है। तो आज की डेट में भी आप लोग उसको क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने तो इसलिए लाया था महात्मा गांधी जी को या दूसरे पर्सन के ऊपर राज लगाया गया था, ताकि वो इसको कंट्रोल कर सके इन पर्सनैलिटी को, ताकि ये पर्सनैलिटी का जो प्रोटेस्ट है वो यहां पर नहीं हो पाए, तो इसलिए इनके द्वारा ये हरकतें की गई थी। पर लेकिन आप क्यों ये गंदी हरकतें कर रहे हो, आपको तो कम से कम इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि हमारे तो देश आजाद हो चुके हैं, हमारी जनता है आज के डेट में, तो अपनी ही जनता के ऊपर आखिर ये क्यों आप लोग लगा रहे हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर ये बोला गया कॉलोनियल टाइम का ये रूल आप क्यों खींचे हुए चल रहे हो, इसको हटा देना चाहिए। तो कोर्ट की जो यहां पर अगर कुछ बातें आप लोगों से मैं करूं, ये बेसिकली बोला है कि 17th सेंचुरी में यहां पर ये इंग्लैंड के अंदर लाया गया, ठीक है, ताकि वहां पर जो राजा रजवाड़े हैं उनके खिलाफ कोई बोल न सके, उनको एक तरीके से थामने के लिए यहां पर ये कोशिश की गई। फिर इसके बाद में अगर आगे चले, लो हुआ था ओरिजिनली जो ड्राफ्ट किया गया था ये 1837 में थॉमस मैकाले के द्वारा बेसिकली यहां पर इसको सामने लेकर आया गया था।
लेकिन उस टाइम पर इसके अंदर जब यहां पर इंडियन पिनल कोड हमारा लाया गया 1860 का, उस टाइम पर इसके अंदर सेक्शन 124 देशद्रोह वाला था ही नहीं। फिर आगे चलकर यहां पर जो जेम्स स्टीवन है उनको लगा वो टिफन के अंदर बंद करके लेकर इसको, ठीक है, जैम लगा के, जिससे ब्रेड में जैम लगाकर टिफन के अंदर बंद करके लेके तो कुछ भी याद करने के लिए आप लोग तिड़मबाजी लगा सकते हैं। तो जैम लगाया और टिफन के अंदर बंद करके इसको लेकर आए 1870 में, 10 साल बाद, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, फिर यहां पर ये इस तरीके की हरकतें आप लोगों को देखने को मिली। तो आज की डेट में यहां पर किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के तहत यहां पर ये इंसान जो है उसको यहां पर जेल में डाल सकते हैं उठाकर, और डाला भी गया। महात्मा गांधी जी को भी जेल के अंदर डाला गया और बाल गंगाधर जो तिलक है उन साहब को भी यहां पर जेल के अंदर डाला गया। इनके हमारे फ्रीडम फाइटर जो है उनको यहां पर उनके ऊपर इसका मिसयूज किया गया, तो इस तरीके से यहां पर देखने को मिला। फिर अगर बात करें यहां पर ये 124 जो है यहां पर इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, अगर इस कैटेगरी के अंदर पकड़ लिया भारतीय दंड संहिता के तो फिर आप लोगों को बेल नहीं मिलने वाली है। तो हमारी कंट्री में एक केस भी आया था यहां पर क्या हुआ गले में खराश होते कई बार यहां पर देखिए, यहां पर ये केस भी था यहां पर 1962 का केदारनाथ का केस था यहां पर, जिसमें बोला गया था कि सेक्शन 124 जो है वो सही है, कम से कम आप लोग उसको यूज कर सकते हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं कि जिसके ऊपर थाई उठाकर धप्पा मार दिया आप लोगों ने, तो ये हरकतें आप लोगों को नहीं करनी है। तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा, तो इसके बारे में भी कई बार बातें की जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहां पर ये आप लोग अगर यहां पर किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर इसको लगता हुआ देखेंगे तो फिर यहां पर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, पासपोर्ट उसका जब्त कर लिया जाएगा, टाइम टू टाइम उसको कोर्ट में अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा, 3 साल से लेकर लाइफ इंप्रिजनमेंट तक का सजा मिल सकती है और इसी के साथ में फाइन भी इंसान के ऊपर लग सकता है। तो ऐसी हरकतें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। साइंस एंड टेक के बारे में यहां पर बेसिकली न्यूज है यहां पर जिसके बारे में बात की जा रही है, हरित धारा के बारे में। तो हरित धारा इसको एंटी मेथोजेनिक फीड सप्लीमेंट बोला गया, ताकि मेथेन जो है वो ज्यादा क्रिएट ना हुए। देखिए जब कोई जानवर जो है वो फीड खाता है, ठीक है, कुछ खाता है यहां पर, ठीक है, तो उसकी बॉडी के अंदर जो चीजें होती है जिसको फर्मेंटेशन बोला जाता है, तो यहां पर CO2 निकालता है। आप लोगों ने देखा कि जानवर जो है जुबाली ले रहा है, ठीक है, फिर गोबर अगर वगैरह कोई करता है तो उसमें से भी आप लोगों को मेथेन जो है वो निकलती हुई नजर आएगी। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मीथेन जो होता है जिसको आप लोग नॉर्मली CH4 बोलते हैं, याद रखिएगा CO2 क्या होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन क्या होता है वो CH4 बोलते हैं, ठीक है। तो उसी के चलते यहां पर अभी हरित धारा के बारे में बात की जा रही है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर जो रिसर्च है उसके द्वारा डेवलप किया गया एंटी मेथोजेनिक ये फीड सिस्टम है जो कि हरित धारा बोला गया, ये कट डाउन करेगा जो मेथेन एमिशन होता है जानवरों के अंदर से 17-20% तक, और इसी के साथ में हाई प्रोडक्शन करेगा जो बेसिकली यहां पर ये किसका ये मिल्क का, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये डिक्रीज करेगा यहां पर कहीं ना कहीं इसको। तो इसके चलते यहां पर जो आज की डेट में अगर बात करें जो पॉपुलेशन है बेसिकली प्रोटोजोआ माइक्रोबीज की, तो रेस्पॉन्सिबल होती है यहां पर हाइड्रोजन ये प्रोडक्शन के लिए। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करेगा ताकि इसके अंदर पेट के अंदर में सिमिलर तरीके बैक्टीरिया जो कि CO2 को रिड्यूस करने में काम आने लगे, यानी कि प्रोसीजर में कुछ ना कुछ चेंज आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसके चलते यहां पर जो मिल्क भी बढ़ेगा उनकी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो इस तरीके से तो बॉडी के अंदर उनका एक अच्छी खासी बॉडी रहेगी, थोड़ा वेट गेन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा जानवरों के अंदर, तो काफी फायदा यहां पर निकलकर सामने आएगा। किसानों को फायदा काफी लार्ज स्केल पर इससे देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो किसानों को फायदा होगा। और इसी तरीके से ऐसा नहीं कि ऐसा एक अकेला लोता ऐसी कोई स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा चला रखी है, और भी बहुत सारी स्कीम है। ये पिक्चर आप लोगों ने देखी होगी, मैंने शेयर की थी टेलीग्राम पर, इंडिया फर्स्ट है अगर बात करें यहां पर बुफेलो पॉपुलेशन के मामले में, इंडिया सेकंड है अगर गोट यानी कि बकरी की पॉपुलेशन के मामले में, इंडिया थर्ड है जो पॉपुलेशन सीप यानी कि जो भेड़ की पॉपुलेशन होती है, मुर्गी के पॉपुलेशन के मामले में 4th नंबर पर है, और 5th नंबर पर है यहां पर जो चिकन यानी कि इसके बारे में बात की जा रही है पोल्ट्री के बारे में, और यहां पर 5th है यहां पर बेसिकली ये पॉपुलेशन चिकन, ठीक है, और यहां पर पोल्ट्री प्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, यानी कि इस तरीके से आप लोग देखते हैं। जैसे कि आप लोग यहां पर देखते हैं यहां पर कई सारे प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहां पर, बेसिकली गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है लाइव स्टॉक से रिलेटेड यानी कि जो जानवर है उनसे रिलेटेड, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर ये डेवलपमेंट फंड, ठीक है, तो ये देखने को मिलता है, डेयरी जो प्रोसेसिंग होती है जैसे कि दूध निकालकर उसको बेचा जा रहा है, कैटल का फीड, वो सारी चीजें उसके चलते। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में आप लोगों को पता है, इसके बारे में डिस्कस भी किया था पहले भी, तो डेवलप करना है कंजर्व करना है जो इंडिजिनस ब्रीड होती है यानी कि हमारे देश में जो खुद की लोकल प्रजाति है। आप लोग कि अमेरिकन गाय लेकर आगे, तो देसी गाय हम लोगों को कैसे ध्यान रखना है तो उसको लेकर चलना है हम लोगों को, ठीक है, तो इस तरीके से अपने लोकल जो प्रजाति है उसके ऊपर फोकस देना है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन यहां पर आया कि क्वालिटी कैसे और क्वांटिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जो भी जानवर है उनकी अच्छा दूध दे, ऐसा नहीं है कि जानवर रखे हैं दुनिया भर के दूध देते नहीं, तो उसको कैसे इंप्रूव करना है। नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि जब इनको एक तरीके से गर्भ धारण किया जाता है इनका, तो उसको आर्टिफिशियली कैसे आप लोग लेकर चल सकते हैं, तो उसके चलते भी यहां पर ये चीजें सपोर्ट की जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है इस पर्टिकुलर एरिया में, काम किया जा रहे हैं, बस ये कि ग्राउंड लेवल पर तक कितना सही से पहुंचे उसके ऊपर फोकस रहना चाहिए, ठीक है, तो उसके बारे में यहां पर बातें की जा रही है। ओके,
आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है, ये सर्वे और रिपोर्ट के बारे में आप लोग यहां पर बात कर सकते हैं, और इसके बारे में डायरेक्ट भी अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए तो हैरान मत होना कि कहां से आ गया क्वेश्चन। तो यूनियन जो मिनिस्टर है एजुकेशन, उनके द्वारा भी यहां पर बेसिकली रिपोर्ट की बात की जा रही है, यूनिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। तो यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है कि बच्चों की एजुकेशन के बारे में, तो प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी, प्राइमरी टू मतलब आप लोगों को देखने को मिलेगा प्राइमरी यहां पर ही होगी, प्राइमरी टू कहां जा रहा है यहां पर, ये बेसिकली हायर सेकेंडरी तक जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग देखिए यहां पर सेकेंडरी हो गया, सीनियर सेकेंडरी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, यहां पर सेकेंडरी हो गया, सीनियर सेकेंडरी हो गया, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर ये प्राइमरी हो गया, फिर अपर प्राइमरी हो गया, यानी कि अगर बात करें क्लास के बारे में तो पांचवी तक का प्राइमरी हो गया, छठी सातवीं आठवीं अपर प्राइमरी हो गया, फिर नौवीं और दसवीं हो गया सेकेंडरी, और फिर हो गया यहां पर ग्यारहवीं और बारहवीं, ये हो गया सीनियर सेकेंडरी। तो इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इनके द्वारा यहां पर जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो इसके चलते यहां पर जो 2019-20 के बारे में कंपेयर करिएगा 2018 को, तो यहां पर चीजें जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से यहां पर ये बोला जा रहा है कि हायर चीजें देखने को मिल रही हैं अभी फिलहाल, अगर पहले के साइड में आप लोग कंपेयर कीजिए हमारी कंट्री में जो हायर सेकेंडरी में लोग जा रहे हैं। ग्रोस इनरोलमेंट भी यहां पर बढ़ रहा है पहले के कंपेयर में, ये भी दिखाने की कोशिश की जा रही है। टीचर से जो रेशियो है यहां पर स्टूडेंट का, पीपल जो यहां पर टीचर रेशियो है, वो भी यहां पर आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा। दिव्यांगन जो स्टूडेंट है उनमें भी आप लोगों को इंक्रीमेंट होता हुआ नजर आएगा। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग एरिया में काफी सारे इंप्रूवमेंट अभी हमारे देश में देखने को मिल रहे हैं। तो जो यूनिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यहां पर 2019-20 के लिए, तो स्कूल एजुकेशन किस तरीके से डेवलप हो रही है तो उसको कंपेयर किया जा रहा है यहां पर, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर जो भी इशू है रिलेटेड टू यहां पर इन सब चीजों को, बेसिकली क्या क्या चीजें चल रही है उनके बारे में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ब्लॉक लेवल पर कैसे इंप्रूव किया जाए, तो इसके चलते सारा डेटा कैप्चर किया जा रहा है, उसको मैपिंग की जा रही है और प्रेजेंट किया जा रहा है। तो इनरोलमेंट जो गर्ल्स है उनका भी प्राइमरी टू हायर प्राइमरी जो है वो इंक्रीज हुआ है पहले के कंपेयर में, लगभग 12.08 करोड़। और 2012 से लेकर 2020 तक अगर देखेंगे तो जेंडर पैरिटी इंडेक्स के बारे में बात करें तो यहां पर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पर वो भी इंप्रूव होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। तो यानी कि जेंडर पैरिटी इंडेक्स भी बढ़ा है। अब जेंडर पैरिटी इंडेक्स के बारे में बात करें तो रेशियो है फीमेल टू मेल जो बेसिकली वैल्यू दी जाती है इंडिकेटर एक तरीके से, पर्पज क्या रहता है जीपीआई का कि प्रोग्रेस देखने को मिले यहां पर जेंडर पैरिटी के अंदर में, एजुकेशन पार्टिसिपेशन कैसा है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी कैसी है गर्ल्स के लिए, तो वो देखने को मिलती है, ठीक है। यानी कि लड़का और लड़की दोनों को एजुकेशन प्रोवाइड करानी है तो फीमेल को भी आप लोगों को बेसिकली मेल के इक्वल ही आप लोगों को समझना है। जैसे मैं दिखाया था मैंने अभी आप लोगों को यहां पर, अगर आप लोग देख पाएंगे यहां पर तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं इसके बारे में कि किस तरह की कंडीशन आप लोगों को अपने देश में देखने को मिलेगी जब लड़की और लड़के के बारे में आप लोग बात करते हैं। तो देखिए यहां पर आप लोग खुद ही समझ सकते हैं जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात की जा रही है एजुकेशन के जस्ट बाद में। तो लड़के को तो पढ़ाकर हम लोग लिप्टिव कलेक्टर बनाना चाहते हैं पर लेकिन लड़कियों को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता है तो उसके चलते वो गलत रहता है, लड़कियों को हम लोग पीछे छोड़ देते हैं, तो उनको भी साथ में लेकर चलना है। तो जेंडर पैरिटी इंडेक्स में लड़कियों को भी साथ में रखना है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें तो 80% के जो करीब स्कूल है इंडिया के अंदर में आज के डेट में वहां पर आप लोगों को एक फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कम से कम आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। कंप्यूटर जो है यहां पर पहले 4.7 लाख थे 2018 में, 19-20 में 5.2 लाख हो गए। इंटरनेट के बारे में बात करें तो ये भी बढ़ गया, 2.9 लाख से बढ़कर 3.36 लाख हो गया। हैंड वॉश की फैसिलिटी 90% स्कूल के अंदर देखने को मिलेगी, 10% अब भी ऐसे हैं जहां पर हैंड वॉश की फैसिलिटी नहीं है। मेडिकल चेकअप जो है 82% स्कूल में कंडक्ट कराया जा रहा है आज के डेट में स्टूडेंट के लिए। तो ये कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह कि गवर्नमेंट के द्वारा डेटा प्रस्तुत किया गया तो आंसर के लिए ये डेटा आप लोग यूज कर सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, तो कंफ्यूज आना नहीं है, ठीक है। तो ये है इसके बारे में याद रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में। तो यहां पर लास्ट आइस एरिया, ये लास्ट आइस एरिया जो है बेसिकली यहां पर जो न्यूज में है ये बोला गया कि आर्टिक ओशन के अंदर जो नॉर्थ ग्रीनलैंड है वहां पर मेल्ट होना स्टार्ट हो गया लास्ट आइस एरिया, जिसको ये माना जाता है कि यार ये तो कम से कम अभी नहीं पिघलने वाला है, ठीक है। तो ये बोला जा रहा था कि टोटल डिसअपीयरेंस हो गया यहां पर समर आइस की, पर लेकिन फिर भी लास्ट आइस एरिया जो है वो यहां पर एक्सेप्शन बचा रहेगा, वो नहीं पिघलेगा, पर लेकिन वो भी पिघलना स्टार्ट हो गया है ये पर्टिकुलर एरिया। अगर आप लोग देखिएगा इसको, आप लोग देखते हैं किस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है, ये है ग्रीनलैंड यहां पर, ठीक है। आर्टिक ओशन हो गया, इसको जूम कर अगर आप लोग थोड़ा सा देखोगे तो इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। आर्टिक ओशन ही हो गया तो ग्रीनलैंड का ये एरिया जो है उसके बारे में बात की जा रही है। आइसलैंड और ग्रीनलैंड में कंफ्यूजन मत होकर रखिएगा, दोनों अलग अलग है, ठीक है। कई सारे बच्चे कंफ्यूजन में रह जाते हैं जब नया नया देखना चीजें को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट आइस एरिया जो है ये रीजन नॉर्थ ग्रीनलैंड के लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली यहां पर एल्समेरे आइलैंड जो यहां पर कैनेडियन टेरिटरी है जिसको यहां पर नुनावत बोलते हैं। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग बेसिकली कि किस पर्टिकुलर एरिया में आता है, तो कनाडा की टेरिटरी है यहां पर, ठीक है।
तो इसके चलते यहां पर यह माना जा रहा है कि काफी स्ट्रॉन्ग ग्लोबल वार्मिंग अभी देखने को मिल रही है, जिसके चलते दिक्कत है, वरना नो मानता कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अभी ये किसके द्वारा बातें बोलेगी, तो वर्ल्ड वाइड फंड जो कनाडा के अंदर है उसके द्वारा बोला गया यहां पर कि ये बेसिकली इसके द्वारा, इसका नाम पहले दिया गया था कि हाँ फर्स्ट इसके द्वारा बोला गया था इसको लास्ट आइस एरिया पर, लेकिन आइस एरिया की आइस जो है खत्म होती हुई नजर आएगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिल रही है। अब यहां पर दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत ये हो रही है कि अगर ऐसी चीजें कंटिन्यूअसली यहां पर चलती रहती हैं, ठीक है, तो आइस जो डिपेंडेंसी स्पीसीज जैसे पोलर बियर हो गए, ठीक है, पिघलना स्टार्ट हो जाएगा तो मरेंगे, कैसे काम चलेगा उनका, उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। रीजन बताया है 80% जो है यहां पर ये बेसिकली हो रहा है वेदर रिलेटेड जो फैक्टर है, जैसे कि विंड हो गया, ठीक है, इसके चलते ब्रेक हो जाती है आइस जो अराउंड द उसके पर्टिकुलर एरिया के। 20% के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म इंपैक्ट जो यहां पर पड़ रहे हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की, वैसे भी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं सारा मिलाकर देखेगा तो तब यहां पर दिक्कत आप लोगों को होती नजर आएगी, ठीक है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो ये था टोटल डिस्कशन, मैं आशा करता हूं एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। अब इसका आंसर आप लोगों को देना है यहां पर, ये ठीक है, तो जो क्विज है उसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए अच्छे से, और कल का जो क्विज है उसका रिवीजन यहां पर कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है आप लोगों से क्वेश्चन। अरे रिवीजन तो रहेगा आप लोगों का, एक मिनट फिर आप लोगों को बोलोगे नंबर काट लिए। एक तो सबसे बुरी जो चीज है यहां पर, इसके बारे में आप लोगों ने देखा यहां पर, जो कि गलत लगा काफी मुझे पर्सनली, आगे बात की हम लोगों ने मोटिवेशन कोटेशन के बारे में, और आप लोगों का जो टारगेट है देखता हूँ कब उसको कितनी जल्दी आप लोग अचीव करते हैं, देखता हूँ आज ही करते हैं या फिर इसको 6 साल बाद करेंगे, आप लोग कब तक आप लोग इसको अचीव करते हैं देखते हैं, जो भी है आप लोगों के हाथ में है। चलिए आगे बात करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली टीपू सुल्तान साहब के बारे में बात की डिटेल में, उनके बारे में कई सारी चीज़ जानी, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछ जा सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में हम लोगों को यहाँ पर जानने को मिला, इसी के साथ में विंटेज कार के बारे में कुछ बातें, रजिस्ट्रेशन वगैरह वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी, पेगासस वायरस के बारे में कुछ बातें हम लोगों ने जानी यहाँ पर, जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों से, ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं पेगासस वायरस के बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा ये पर्टिकुलर, ठीक है, जो मैंने आप लोगों से बार बार डिस्कस किया यहाँ पर, ये बेसिकली क्यूबा के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है, क्यूबा, और मैंने आप लोग क्या किया यहाँ पर, ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर क्यूबा के बारे में बात की जा रही है, और मैप में मैंने क्या दिखा आप लोगों को, मैक्सिको तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा मैं आप लोगों को बेसिकली ये इसीलिए मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो गई यहाँ पर, ये ठीक है, आप लोग एक बार देख भी सकते हैं इसको यहाँ पर एग्जैक्ट जो लोकेशन है यहाँ पर, ये ठीक है, ये आप लोग फिर से देख लीजिए एक बार, ठीक है, तो यहाँ पर ये है बेसिकली फ्लोरिडा, इसके नीचे क्यूबा, तो यहाँ पर बात की जा रही है, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला था, ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। देशद्रोह के बारे में क्या क्या बातें चल रही हैं वो हम लोगों ने जानी, सेडेशन का जो चार्ज लगाया जाता है, ठीक है, तो ये देखना है इसके बारे में। इसी के साथ में अगर बात करें, हम लोगों ने जो यहाँ पर डिस्कस की जो न्यूज़ थी वो थी यहाँ पर, जो कि किस तरीके से हम लोग अपने देश में जो डेवलप कर रहे हैं किसानों को फायदा पहुँचाने के लिए क्या क्या हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये हम लोगों ने जाना, इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं उसके बारे में देखा, रिपोर्ट जो प्रस्तुत की जा रही है ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने समझा जो इंपॉर्टेंट आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, एक एक कर देखिए, आइस जो बेसिकली लास्ट आइस एरिया के बारे में बात की जा रही है, इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है, क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर ये ट्रीटी के बारे में बताना है, कौन सी यहाँ पर फर्स्ट फीमेल डॉक्टर कौन से हैं, ये कौन सा रूल चेंज किया गया विंटेज कार के लिए, स्पाई वेयर का नाम आप लोगों को बताना है, कौन सा केस था यहाँ पर 124 सेक्शन को बोला अपहेल्ड किया सही है, हाँ ये HD के बारे में बताना है, किसके द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली फोकस किया जा रहा है इसके ऊपर, एजुकेशन की रिपोर्ट के बारे में UDISE इसके बारे में आप लोगों को बताना है। रिविजन थोड़ा कर लेते हैं लास्ट डे का, रीइंट्रोड्यूस करने की बात की गई यहाँ पर, जब कब को एक यानी कि जो कब होता है जो टाइगर का बच्चा होता है उसको, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, उसका नाम क्या दिया गया है। अगर बात करें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी किसके तहत यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, जो यहां पर बैम्बो ओएसिस ऑन लैंड एंड ग्रोथ के बारे में बात की जा रही है, तो ये आप लोगों को कहां पर देखने को मिलते हैं, ये राजस्थान के अंदर, तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और जो डाइनर क्लब है इसको बेसिकली यहां पर अभी अपना आगे रजिस्टर आगे जो है इसके अंदर और लोगों को जोड़ने से मना किया है, तो क्या रीजन है इसका। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है इसके बारे में आप लोगों को बताना था, ठीक है, ये कितना अभी यहां पर भी देखने को मिल रहा है जो मिनिस्टर रिप्रेजेंटेशन है। बिल्ट बैक बेटर के बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो इंपॉर्टेंट था याद रखिएगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टैकल करने के लिए NIBMG कल्याणी ये कहां पर है, वेस्ट बंगाल के अंदर, तो इसके बारे में डिस्कस किया था, ये क्या है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन किसके अंडर आता है, तो आंसर देखिए रिविजन जरूर किया कीजिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी ज्यादा अगर लंबे समय तक चीजें याद रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात की जा रही है यहां पर बेसिकली इसको रीवाइल्डिंग बोलते हैं, यानी कि जानवर के बच्चे को फिर से जानवर के बच्चे को उसको ले जाकर छोड़ना बेसिकली जंगल में, तो रीवाइल्डिंग करना इसको बोला जाता है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर ये है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जिसके तहत निकल कर आती है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC का नाम याद रखेगा, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। तो ये इसके द्वारा ये बेसिकली बोल्ट करके प्रोजेक्ट लाया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया मास्टर कार्ड
इन सबको कि यूज मत करना आज के बाद में कार्ड, क्योंकि लोकलाइज नहीं कर रहे हो, डेटा को बाहर लेकर जा रहे हो, तो ये सही नहीं है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट याद रखिएगा, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये बताइए किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो यहां पर देखने को मिलेगा कि 9.1% आज के में कैबिनेट मिनिस्टर हैं अगर बात करें हमारी कंट्री में, अगर 23% था 2019 में। G7 कंट्री के द्वारा बुलट बैक बैटर के बारे में बात की गई, तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की यहां पर बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक, इसके बारे में बात की, जिसने ओरल कैंसर के लिए डेटा तैयार किया है ताकि मुंह में जो कैंसर होता है उसको रोका जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के बारे में हम लोगों ने बात की, तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। पीडीएफ सारी यहां पर मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी उसका चार्ज नहीं है, आप लोग यहां से एंजॉय कर लीजिए। और बाकी यहां पर आप लोग सारी चीजें और भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो टाइम वेस्ट न हो इसलिए इस पे आप लोग जरूर कनेक्ट रहिए। 1,30,000 से ज्यादा मेंबर यहां पर जुड़े हुए हैं और यहां पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, ये है लिंक, ओके।